यादगार पलों का मनमोहक साक्षी, नवयुगल की नई और पहली चॉइस, बेस्ट वेन्यू फॉर एवरी ओकेजन, डेस्टिनेशन वेडिंग, एलिगेंट डिजाइन एंड एक्सप्रेसिव डेकोर, एक्सपीरियंस विद लग्जरी, ला फ्लोरा गढ़ रोड मेरठ। मेरठ की प्रसिद्ध स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री भल्ला इंटरनेशनल में बीती रात एक 45 वर्षीय कर्मचारी की मौत हो गई है। बताया गया था कि एकाएक बीपी बढ़ने के कारण उसे पास के ही चिकित्सक को दिखाया गया था। देर रात उसे मवाना रोड स्थित एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस पर परिजनों ने शव को गेट के बाहर रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने मुआवजे की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि फैक्ट्री में आवश्यक इंतजाम न होने के कारण कर्मचारी की मौत हुई है। हालात उस वक्त एकाएक ही बिगड़ गए, जबकि प्रदर्शनकारियों ने कंपनी के सुपरवाइजर को समझाने की कोशिश करने पर थप्पड़ जड़ दिए। बाद में फैक्ट्री की तरफ से मुआवजा दिए जाने के बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। दरअसल प्रतापपुर थाना क्षेत्र के शताब्दी नगर उद्योगपुरम में भल्ला इंटरनेशनल कंपनी है। यहां लंबे अरसे से न्योहारी गांव का अशोक सैनी कार्यरत था। कल शाम अचानक ही उसकी तबीयत खराब हो गई। पास के ही चिकित्सक ने बताया कि बीपी बढ़ गया है। कुछ देर बाद पैरालाइज का अटैक भी पड़ा। उसे मवाना रोड स्थित नर्सिंग होम भेजा गया, जहां अशोक सैनी को मृत घोषित कर दिया है। जल्दी थोड़े ना रखिए, हमारे साथ रुक गई है, कुछ कोई कुछ कर रहा है हमारे साथ रुक गई है। आज इन हमारे साथ है, कल इनके साथ भी होगा, तो सबके सामने बात हो। ये आप ये चले जाएगा, हमारी कौन सुन रहा था? आप भी नहीं सुनने का, आप भी गाड़ी में बैठ के चले जाओ, मालिक भी आओगा अंदर चला जाएगा, हम तो बैठ जाएंगे। और मालिक क्यों नहीं आ रहे, कारण क्या है? मालिक को बुलाओ यहाँ पे, जब आपके देखते नाजिर ये सारी चीजें हो रही है, सारी बात समझ में आ रही है। बताओ, आप भी थोड़ा सा बोल दो, उसकी तबीयत खराब होगी, उसके घर फोन किया जाता है, लापरवाही नहीं आ रहा मालिक को। अब जो तो वर्कर जो बताऊंगा, वर्कर मरा, हमारा मरा, उसका नहीं। इस बारे में प्रदर्शनकारियों में शामिल अनुज कुमार ने यह जानकारी दी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनुज कुमार नाम है जी हमारा। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बागपत से रहने वाला हूँ, ये मेरे मौसा जी है अशोक जी। क्या घटना हुई? घटना हुई कि इनका कोई दर्द वर्द हुआ है सर। अब यहाँ पे कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं, इतने बड़े फार्म चला रहे हैं, कोई लेबर को कोई दिक्कत हो जाए तो यहाँ कोई सुविधा भी नहीं है। अब इन्हें आज पौन घंटे बाद तो यहाँ से उठाया गया, अब एम्बुलेंस में डाला, इसमें साढ़े में ऑक्सीजन नहीं है ये, और इन्हें चलो देखी जाए, ये भी एम्बुलेंस में कोई ऑक्सीजन नहीं है, इन्हें आसपास के कोई अस्पताल में लेके जाते हैं, ये लेके जा रहे हैं वहाँ मवाना रोड एप्स नोवा एसोबार्टी भी है, और भी छोटे मोटे अस्पताल है, तो वहाँ लेके जाते ना, तो ये मारा गया कंपनी की लापरवाही से, और इसका जुर्माना देना पड़ेगा, या हमें इंसाफ चाहिए। सही, क्या नाम है इनका? अशोक कुमार सनोप तेजपाल, और 25 साल हो गए ना यहाँ काम करते हुए, आज तक कुछ नहीं हुआ इनका, इनके चार बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका कैसा होगा? कंपनी के बाहर ही गेट बंद कर दिया इन्होंने, कंपनी के अंदर नहीं लाने दे रहे। पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस की सूचना दे रहे, बोल रही है पुलिस, देखो आप कैसे बैठे हैं। पुलिस ने बताया कुछ, हमें कोई आश्वासन दिया पुलिस ने? इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ, खबरों से अपडेट रहने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार।